उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी समेत सभी दलों की सरगर्मियां तेज हो गयी। सभी दल उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे। इस बीच फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के लिए पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं से सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की बहस हो गई। सपा प्रत्याशी ने पुलिस वालों पर जबरदस्ती करने के आरोप लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके अलावा सपा प्रत्याशी मुजत्तबा पुलिस वालों को चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी के नामांकन दाखिल करने के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा और कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठने लगे। फूलपुर सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले कांग्रेस ने प्रदेश की मझुआ और फूलपुर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की थी। इन अटकलों के बीच मुजत्तबा सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस बारे में सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी का कहना है कि पार्टी हाईकमान से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला है। मुजत्तबा सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, इसके बावजूद अगर पार्टी हाईकमान का कोई आदेश आता है तो उसका पालन किया जाएगा। बहुत मुद्दे हमारे पास हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई आप देख रहे हैं, 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। बेरोजगारी, जिस गांव जाते हैं सैकड़ों लड़के वहां बेकार मिलते हैं, कोई नौकरी 10 साल से कोई नौकरी नहीं दी गई। उसके बाद हमारा संविधान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बचा रहे हैं, अगर पूर्ण सरकार बन जाए तो अध्यक्ष न बचा पाते, लेकिन उन्होंने रोकने का काम किया। पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी हमारी, 37 सांसद अपने दम पर जीत के पार्लियामेंट भेजा उन्होंने तो। और आरक्षण जो समाप्त हो रहा था, आरक्षण बचाने का काम किया। बहुत से मुद्दे हैं, मुद्दे गिनाने लगे तो बहुत, इतने मुद्दे हैं कि आज हर जनता परेशान है, हर जनता पीड़ित है, कोई भी जनता ऐसे नहीं जो खुशहाल हो। हमने बताया तो पीडीए का फार्मूला काम कर रहा है। पीडीए वाले जितने हैं सब परेशान हैं, सब गरीब लोग हैं, इनके पास खाने पीने के भी पैसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हो रहा है, लेकिन गरीबों का कर्जा नहीं माफ़ हो रहा है। इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इन लोगों की महंगाई इनके इतना जबड़ा चढ़ चुकी है कि आदमी 5 रुपये कमाने वाला कैसे खाएगा। तो मुद्दे बहुत हैं, इसी सब फैक्टर में लेकर चला हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ, मैं वहाँ की कठिनाइयों को जानता हूँ। आज 50-70 साल में विजयलक्ष्मी पंडित 50 साल पहले एक सरकारी स्कूल बनाया था, आज दूसरा कोई वहाँ सरकारी स्कूल नहीं है। वहाँ कोई जो हॉस्पिटल है जो पड़ा था 70 साल पहले, वही आज भी हॉस्पिटल चल रहा है। इस मौके पर सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी ने फूलपुर उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया। उनका कहना है कि उपचुनाव में वो संविधान और आरक्षण बचाने के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बता दें कि मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले 2002 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सोराव विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि साल 2012 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2017 में मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी ने प्रतापपुर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और जीत कर विधानसभा पहुंचे। मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट से मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुजत्तबा सिद्दीकी को बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने 2500 वोटों के अंतर से हरा दिया था। अब एक बार फिर सपा ने मुजत्तबा पर ही भरोसा जताया है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस सीट पर क्या मुजत्तबा दोबारा कब्जा कर पाएंगे या फिर बीजेपी यहां से बाजी मार जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।